हेलो साथियों, देखिए आज का 30 नंबर बर्ड को हम देख रहे हैं। डेट 30 का देखते हैं। पहला क्या है? ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब होता है एफीमरल, क्षणिक, फ्लीटिंग। एफीमरल मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। फ्लीटिंग मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। ट्रांजिस्ट्री वोलाटाइल मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। एफीमेरल, फ्लीटिंग, ट्रांजिस्ट्री, वोलाटाइल मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है, जो समय लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए रहता है। मोमेंट्री बोल सकते हैं, मोमेंट्री। एंटोनिम परमानेंट, एंडलेस, इमानेंट, परपेक्चुअल। परपेक्चुअल मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार। कंटी CONTI, कंटिन्यूएशन। परमानेंट, एंडलेस, सीजलेस। सीजलेस मतलब बिना रुके हुए, परमानेंट लगातार, एंडलेस। इमानेंट EIMANENT मतलब ट्रांसियंट, या ट्रांस मतलब होता है एवर्सनेस, एबेंस मतलब क्षणिकता। एफीमेरल बोल सकते हैं, मोमेंट्री, मोमेंट्री बोल सकते हैं। MOMENTR मोमेंट्री मतलब क्षणिक होता है। एवर्समेंट, एटोनिम एटर्नेट, परपेक्चुअल बोल सकते हैं। अगला क्या? सीजलेस, CESLED, सीजलेस मतलब बिना रुके हुए, परमानेंट, एंडलेस। फ्यूगोसिटी मतलब होता है एवेनेस। फ्यूगोसिटी मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिस्ट्री TRANSIS, ट्रांजिस्ट्री। एफीमेरल EPHEMERL मतलब क्या होता है? फ्यूगोसिटी मतलब एवेनेसेंस, एवेंस, एवेन, एवेन, एवेन। EVANESE मतलब क्या होता है? क्षणिक। ट्रांजिस्ट, ट्रांजिशियंस मतलब क्षणिक। इंटरनेटली, परपेक्चुअल, कंटिन्यूटी होता है। और क्या हो? एवरलास्टिंग। अला फ्यूगियस मतलब होता है मोमेंट्री, शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट। फ्यूगियस मतलब क्या होता है? मोमेंट्री, शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट। तो मोमेंट्री, शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट। एंटोनियम की बात करें, परपेक्चुअल लगातार। एंटोनियम का लास्टिंग, फॉर एवर हमेशा के लिए। इसेंटिक मतलब क्रेजी, ओल्ड। विम्सिकल, विम्सिकल मतलब विचित्र। विम्सिकल मतलब विचित्र। ओल्ड सनी की क्रेजी, मैड। सैनोनियम की बात करें, बिजारे, बिजारे मतलब BIZZARE, बिजारे मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब, अजीबो गरीब। स्ट्रेंज मतलब ऑड। फ्रीक, फ्रीक मतलब क्या होता है? FRE, क्या? अजीबो गरीब। नॉर्मल, कॉमन, साधारण। सेंटिक मतलब फैड, फैड मतलब सन की। सेंटिक मतलब सन की। तो क्या हो जाएगा? बिजारे, सन की बिजारे। फैड, फ्रीक, FRE के फ्रीक, स्ट्रेंज। तो फेड आइडियो साइन कर रहा है इसी क्यूर पर। पेक्यूलरिटी, पेक्यूलरिटी, आइडियो, आइडियो। फेड, फेड मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब। कर, QIR के पेक्यूलरिटी, पेक्यूलरिटी। एंटोनियम की बात करें तो नॉर्मलेसी, एंटोनियम नॉर्मलेसी। बेलमी मतलब होता है प्लीजेंट, बेलमी मतलब क्या होता है? प्लीजेंट, माइल्ड, प्लीजेंट, मान। एंटोनियम की बात करें तो हार्श, प्लीजेंट मतलब सुखद, माइल्ड, नॉट, नॉट सीरियस। फैड ये समझ क्या हो गया? सन की। पेक्यूलरिटी मतलब ये क्या था? पेक्यूलरिटी मतलब क्या था? सन की, PECY, सन की। QUIR के क्यूर्क याद रखिएगा, QUIR के क्यूर्क मतलब होता है सन की, और क्यूक मतलब होता है जल्दी, क्यूक रिस्पॉन्स। डिराइड मतलब किसी को पार मॉक करना, जीर करना, मॉक करना, रेडिकुल करना, स्नीर करना। स्नीर मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना, किसी का रेडिकुल करना। एंटोनियम प्रेस, रिस्पेक्ट, एस्टीम, ऑनर करना। डिराइसन, डिराइसन मतलब क्या होता है? मॉक करना, किसी को ट्रॉन्ट करना, ट्रॉन्ट, TRUN, ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट मतलब मजाक उड़ाना, रेडिकुल करना। एंटोनियम प्रेस, कम्प्लीमेंट करना। डिराइसी मतलब होता है इंसल्टिंग, डिराइसी, DERISIVE, डिराइसी मतलब होता है मॉक करना, किसी को, किसी को डिराइड करना, जीर करना, स्नीर करना। ये सारे मतलब एंटोनियम, रेस्पेक्ट करना, एडमायरिंग करना, प्रेजिंग करना, प्रेसिंग मतलब प्रशंसा करना, रेस्पेक्ट करना, आदर करना। अब्सटेन मतलब रिफ्रेन, दूर रहना। एंटोनियम का परयूस, इंडल्ज, इंडल्ज मतलब लिप्त रहना। परयूस, परयूस, परयूस मतलब कि यूज में रहना, परयूज। साइनिज्म मतलब सस्पेक्टिज्म, बिटरनेस, कटुता। सस्पेक्टिज्म मतलब संदेहवादी होता, संदेह। बिटरनेस मतलब कटुता। साइनिज्म तो कैप्टन, एंटोनियम ऑप्टिमिस्ट, आशावादी।
एरुडाइट मतलब लर्न स्कॉलर पंडित, पंडित बोल सकते हैं, लर्न स्कॉलरी एजुकेटेड, लर्न स्कॉलरी एंटोनिम होगा इन इग्नोरेंट, अन स्कॉलरी इलिटरेट इमेच्योर, एरुडिक्शन मतलब पंडित पंडित, लर्न एल ई ए आर एन ईड लर्न स्कॉलरी एजुकेटेड, एंटो सैनोनिम होगा नॉलेज, एंटोनिम होगा इग्नोरेंस। इग्नोरेंट देखिए अन स्कॉलरी इलिटरेट इमेच्योर था, इग्नोरेंट मतलब क्या था जो अनभिज्ञ है, इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ है। अकॉर्ड ट्रीटमेंट मतलब इक्विपमेंट, अकॉर्डेड मतलब सी ओ यू टी आर ई एम एंड, अकॉर्डमेंट मतलब क्या था इक्विपमेंट उपकरण, ए डबल सी ओ यू टी आर ई एम ई एन टी एस उपकरण। अगला देखिए एनग्रोस, एनग्रोस मतलब क्या होता है अब्जोर, एनग्रोस मतलब लीन रहना, बोर टेडियस डिस्क्रोज टेडियस टी डी बोर, मोनोटोनियस उबाऊ, मोनोटोनियस एनग्रोस मतलब अब्जोर, एनग्रोसिंग मतलब अब्जोर्बिंग दिलचस्प दिलचस्प इंटरेस्टिंग, अब्जोर्बिंग टेडियस बोरिंग मोनोटोनियस। एनग्रोस मतलब अब्जोर्ब मतलब क्या होता है दिलचस्प रहना, एंड इंटरेस्टिंग अब्जॉर्बिंग, रैप्ट रैप्ट मतलब क्या होगा इंटरेस्टिंग आई एन टी ई आर ई एस इंटरेस्टिंग, रैप्ट इमर्स्ड इमर्स मतलब क्या क्या इंटरेस्टेड रहना, एंटोनियम होगा बोर्ड टायर्ड, टेडियस उबाऊ, मोनोटोनियस क्लैरिटी मतलब स्पीडली तेजी से, स्विफ्टली एस डब्ल्यू आई एफ टी एल, क्राफ्ट क्रे सेलेरिटी सेलेरिटी मतलब स्पीडली, रैपिडिटी रैपिडली मतलब तेजी से स्विफ्टली, एंटोनियम होगा स्लोनेस, परस्पिकेसिस मतलब होता है प्रिसाइज स्पष्ट क्लियर डिस्टिंग क्लियर लुसिड, परस्पिकेसिस मतलब लुसिड पर्स पी आर परस्पिकेसिस पी आर लुसिड क्लियर डिस्टिंग, एंटोनियम होगा भाग्य ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर, ऑबियस इसका बोल सकते हैं ऑबियस इसका सैनोनिम होगा ऑबियस, ऑब्सक्यूअर इनट्रांसपेरेंट ओपक्यू पारदर्शी, मतलब पर्सपिकेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंट लुसिडिटी क्लियर ऑबियस ओ बी वी आई एस ऑबियस, ट्रांसपेरेंट लुसिडिटी एंटोनिम भैगिनिस भैगिनिस, ऑब्सक्योर ओ बी एस यू आर ये ओपिक्यू, अगोनी मतलब अगोनी पीड़ा बोय कष्ट, अगोनी एंटोनिम प्लेसर थी प्लेसर दुख, प्लीजेंट सुखदायक, एंगिस मतलब क्या था सोरोफुल सोरोफुल दुख कष्ट अनहैप्पी, सोरोफुल एंटोनियम प्लेन, अगोनी मतलब पेन टॉर्चर करना, एंग्यूस पेन एंटोनियम कंफर्ट प्लेजर एक्साइट ई सी ई सी एस टी एस वाई एक्स एक्साइट सी मतलब क्या था प्लेजर प्लीजेंट, तो एक्सक्यूक्रेटिंग एक्सक्यूक्रेटिंग ई एक्स सी ई एक्स सी आर यू सी ए डिस्ट्रेसिंग पेनफुल मतलब तनाव, डिस्ट्रेसिंग मतलब दुखद, और ई एक्स सी यू ई एक्स सी आर यू सी ए सी आई ए एक्सक्यूक्रेटिंग मतलब क्या होता है डिस्ट्रेस्टफुल, ई एक्स सी आर यू सी आर यू सी आर यू एक्सक्रूसिएटिंग, ई एक्स सी आर यू ई एक्स सी आर यू सी आर यू सी आई ए एक्सक्रूटिंग मतलब क्या होता है कोडियम मतलब फ्रेंडली, एमिनेबल 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 मतलब क्या दोस्ताना, रिलेक्चुएंट मतलब अनविलिंग हेसिटेंट अनिच्छिक अनिच्छुक, रिलेक्चुएंट अनिच्छुक 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 अनिच्छुक, एंटोनिम ईगर विलिंग इच्छुक इच्छुक, रिलेंटलेस मतलब क्या होता है अनिच्छुक, रिलेक्चुएंट मतलब अनविलिंग अनिच्छुक अनविलिंग अनविलिंग हेसिटेंट हेसिटेंट, रिलेक्चुएंट मतलब क्या होता है अनविलिंग हेसिटेंट एच ई हेसिटेंट 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 हेसिटेंट, एंटोनिम होगा विलिंग ऑफेंड मतलब अनोय परेशान करना पेस्ट करना किसी को पेस्ट अनोई करना इंसल्ट करना, एंटोनियम प्लीज प्लीज हो जाएगा फिर प्रेज प्लीजेंट, अनोई मतलब ऑफेंड करना अनोई मतलब ऑफेंड करना किसी को परेशान करना हेसिटेट करना, ऑफेंड बोदर करना बोदर करना पेस्टर करना वैक्स हरास करना हरास बोदर बोदर मतलब परेशान करना वेश करना, एंटोनियम सूथ कंफर्ट प्लीज, पेस्टर मतलब क्या होता है अनोई करना, टॉर्मेंट टॉर्मेंट मतलब क्या होता है परेशान करना अनोई करना वैक्स करना बोदर करना हरास करना,
ये सारे अनोई का क्या होगा, सैनोनिम होगा। एंटोनियम कंफर्ट प्लीज कंसिलार्ड, CONCILIARD कंसिलार्ड। डेफिएंट मतलब डिसोबीडेंट, डिसोबीडेंट आगा करें। रिकल्सिट्रेंट RECALCITRANT, इसका मतलब होता है डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस। OBDIENS डिसोबीडियंस मतलब क्या होता है, अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी को नहीं मानता उसको बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट। डिफिएंट मतलब क्या होता है, डिसोबीडियंस। डिफिएंस मतलब क्या होता है, डिसोबीडियंस, अवज्ञाकारी, जो आज्ञा, अवज्ञाकारी, डिसोबीडियंस। और कौन, रिकल्सिट्रेंस, RECALCITRANT से रिकल्सिट्रेंट। एंटोनिम सबोर्डिनेंस, सबोर्डिनेंस मतलब आज्ञा का मानता मानता, सबोर्डिनेंस। इंडोलेंट मतलब लेजी, लेथार्जिक, स्लगिस, एसे ल्यूडबल, GIS, स्लगिस, स्लॉथफुल, स्लगिस। एंटोनिम एक्टिव, डिलीजेंट, मेहनती, हार्ड वर्किंग। आगे देखिए, इंडोलेंस मतलब लेजीनेस, स्लगिनेस, एसे ल्यूडबल, GI स्लगिनेस, नेस, NEWS, एसे ल्यूडबल, GIN, स्लगिनेस, स्लगी, स्लगिनेस। एंटोनिम होगा फिटनेस। लेडल मतलब लेजी, स्लगिनेस, इनएक्टिव। आइडलनेस मतलब लेजी, लेथार्जिक, स्लॉथफुलनेस, स्लॉथफुलनेस मतलब क्या होता है, SLOTH, इसका मतलब ये होता है आलसी। एंटोनिम होगा एक्टिव। विवाइसिस मतलब होता है एनर्जेटिक, लाइवली, लाइवली, एनर्जेटिक। स्प्राइटली, स्प्रिटेड, SPIRITED, स्प्राइटली, SPRIGHTLY, भी एक्टिव, एक्टिव, लाइवली, LIVL, लाइवली, स्प्राइटली, ऊर्जावान। एंटोनिम होगा स्प्राइटलेस, लाइफलेस, डल, बोरिंग, बोरिंग, टेडियस। रिमॉर्स मतलब रिपेंटेंस, RERPENTENS, रिपेंटेंस, पश्चाताप करना। रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट, रिपेनिटेंस, रिग्रेट, पेनिटेंस। एंटोनिम हैप्पीनेस, रिमॉर्सफुल मतलब पेनिटेंस, पेनिटेंस, रिग्रेट, रिपेंटेंस, REPENTENCE, रिपेंटेंस, रिपेंटेंट, पेनिटेंस। पछताव, अनअपोलोजिस्टिक, मैडन मतलब इन्फीरियट, एक्सपरेट, इन्फीरियट मतलब रेज करना, RAGE, गुस्सा दिलाना, एक्सपरेट करना, इन्फीरियट, एक्सपरेट। एंटोनिम पीस, काम, सूथ, पैसिफाई। मैडिंग, मैडनिंग, एमेडबल, DEMEDABLE, DENING, मैडनिंग मतलब होता है इन्फीरिएटिंग, एक्सपरेटिंग, किसी को गुस्सा दिलाना, गुस्से में लाना, क्रोधित करना, एक्सपरेटिंग, इन्फीरिएटिंग। एंटोनियम प्लीजेंट, सूथ, काम। अलग इंडिग्नेशन बोलता है एंगर, एंग्री, फ्यूरी, रैथ, गुस्सा। इंडिग्नेशन में क्या होता है, एंग्री, फ्यूरी, EXASPX, स्प्रेटिंग, इन्फ्यूरिएटिंग, इन्फ्यूरिएटिंग, RATING, मतलब गुस्सा दिलाना, एंगर, फ्यूरी, रैथ। एंटोनिम होगा जॉयस, प्लेसर, हैप्पी, जॉय, मैरी, हैप्पी, मैरी। इंडिग्नेंट मतलब गोनी, फ्यूरियस, इरिटेट, एक्स्यूबरेंट, एक्स्यूबरेंट क्या हो जाएगा, एक्सास्परेटिंग, एक्सास्परेटिंग मतलब इन्फ्यूरिएटिंग, इंडिग्नेंट, XSEXSAPER, एक्सास्परेटिंग, इन्फ्यूरिएटिंग, INFURIATE, इन्फ्यूरिएटिंग, गुस्सा दिलाना। एंटोनियम पीसफुल, प्लीज्ड, काम। इरेट, इरेट मतलब गुस्सा दिलाना। इंडिग्नेंटली मतलब एक्सास्परेटिंग, EXASPERAINT, एंग्रेली, फ्यूरियसली, इरेटली, रैथफुली। इन्फ्यूरिएटिंग, INFURIATING, मतलब गुस्सा दिलाना, रैथफुली, टर्ली, इरेटरली। रिक्टी, रिक्टी मतलब क्या होता है, सैकी, जर्जर, जर्जर। एंटोनिम फर्म, स्ट्रांग, रोबस्ट, रोबस्ट, मजबूत। रिले मतलब डिपेंड और निर्भरना। एंटोनिम डॉट, रिलायंट मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। एंटोनिम इंडिपेंडेंट, एसिटेंट मतलब रेसिडेंट, अल्पभाषी, मितव्ययी, मितव्ययी, मितव्ययी। सैनोनिम होगा रेटिसेंट, साइलेंट, रिजर्व, क्वाइट, रिजर्व, क्वाइट। आगे देखते हैं, एंटोनिम टॉकेटिव, लोक्यूअस, गरुलस, गरुलस, चैटी, प्रैटर, बकवा करने वाला, बकवर। टेस्ट मतलब साइलेंट, साइलेंट मतलब क्वाइट, QUIET, क्वाइट, चुपकी। रिजर्व, RESERV, भीड़, रिजर्व। इम्पाइल्ड, IMPLID मतलब रिजर्व, IMPLID। एंटोनिम स्पोकन, सेड, एक्सप्लिसिट। टैसिटर्निटी मतलब साइलेंस, रिजर्व, रिजर्व, इम्पाइल्ड मतलब रिजर्व मतलब कि कम बोलता है। एंटोनिम कैंडोर, कैंडोर, फ्रैंक, कैंडोर मतलब फ्रैंक। सेल्वेज मतलब सेव, बचाना, रेस्क्यू। एंटोनिम लॉस, हार्म, हर्ट। स्लेव, एसलेवी, स्लेव, सेल्व, SLV, सेल मतलब क्या होता है, सेव करना है, SALV मतलब सेव करना, बचाना।
एंटोनिमो ब्लॉक है, डायर मतलब भेरी, ग्रूसम GREUESM ग्रूसम, भयावह, डिसास्टर, क्रिटिकल, डस्टे, ड्रेडफुल, ग्रीवियस, हाईफुल, हाईफुल, भयावह, 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 हाईफुल, ड्रेडफुल, ग्रीवियस, अनफॉर्चून, गुड, चाल्टन मतलब क्वैक, सेखी मारना, चाल्टन मतलब क्या कहें, स्क्वैक, डिंग मारना, सेखी मारना, मॉन्टी बैंक, मॉन्टी मतलब मैंने क्या होता है, सेखी मारना, डायर मतलब क्या होता है, क्रिटिकल, सीरियस, वेरी बैड, एफ्लुएंट मतलब वेल्दी, रिच, प्रॉस्पर्स, अमीर, प्रॉस्पर्स, एफ्लुएंस मतलब वेल्दी, रिच, प्रॉस्पर्स, रोम, रोम मतलब क्या होता है, कॉबर्ट, ऊर्जा से उछल कूद करना, ऊर्जा से उछल कूद करना, फ्रोलिक मतलब उछल कूद करना, गैम्बोल मतलब क्या होता है, उछल कूद करना, कैबोट, फ्रोलिक, गैम्बोल, एंटोनियम, सीरियसनेस, सोब्रिटी मतलब सीरियसनेस, स्टोइक, टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब क्या होता है, तुरंत, क्या होता है, तुरंत मतलब कि गंभीरता, अब्सटिनेंस, ABSTINE मतलब गंभीरता, कोलेसेस मतलब यूनाइट, जॉइन टुगेदर, कंबाइन, मिगर, असेंबल, सम्मिलित करना, असेंबल करना, कलेक्ट करना, कोल, कोलेसेंस, COALESCE, कोलेस, सोब्रिएट मतलब सीरियसनेस, सोब्रिएट मतलब स्टोइक, स्टोइक मतलब गंभीरता, स्टोइक, रोम मतलब को, ROMP, रोम मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना, कोल्स मतलब गंभीरता, सोबेरिटी, कोल्स मतलब यूनाइट, यूनाइट, मैंडेट मतलब ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, ऑर्डर डिक्री करना, ऑफिशियल ऑर्डर, ब्रीच मतलब उल्लंघन, ब्रीच मतलब उल्लंघन, उल्लंघन। तो ये था आज का, साथियों चैनल सब्सक्राइब करें।